हर कोई आकर्षक दिखना चाहता है और इसमें कपड़े सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। फैशन के इस दौर में महिलाएं किसी भी तरह के कपड़े पहनने से नहीं हिचकिचाती हैं। अब तो स्लीवलेस पहनना आम हो गया है। कुछ महिलाएं डार्क अंडरआर्म्स के कारण चाहकर भी स्लीवलेस नहीं पहन पाती हैं। खासकर गर्मियों के मौसम में उन्हें इसके कारण शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ रेमेडीज लेकर आई हूँ। ये रेमेडीज आपको डार्क अंडरआर्म्स की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्तिस ब्यूटी एंड हेल्थ डायरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपके लिए अंडरआर्म्स के डार्कनेस को दूर करने के लिए कुछ ऐसे रेमेडीज लेकर आई हूँ जिससे आपको डार्क अंडरआर्म्स से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। बस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बनिए। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे अंडरआर्म्स डार्क क्यों होते हैं। व्हाट इज द कॉजेस ऑफ डार्क अंडरआर्म्स? त्वचा के अन्य हिस्सों के मुकाबले अंडरआर्म्स का रंग थोड़ा सा डार्क होता है। हालांकि ये किसी गंभीर समस्या का संकेत नहीं होता है, लेकिन कभी कभी शर्मिंदगी का कारण बन जाता है, खासकर तब जब कोई लड़की स्लीवलेस कपड़े पहनने के बारे में सोचती है। इसलिए इसे ठीक करना जरूरी हो जाता है। अंडरआर्म्स ठीक करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि अंडरआर्म्स डार्क क्यों होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो चलिए देखते हैं इसके कारण। अधिक केमिकल का यूज करना, जैसे ब्लीच, हेयर रिमूविंग क्रीम, डिओड्रेंट, बार बार शेविंग करने से भी अंडरआर्म्स काले हो जाते हैं। मेलानिन के अधिक प्रोडक्शन से भी डार्क अंडरआर्म्स की प्रॉब्लम होती है। टाइट कपड़े भी डार्क अंडरआर्म्स का कारण बनते हैं। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन का कलर डार्क हो जाता है। डायबिटीज या उच्च इंसुलिन का स्तर भी स्किन के कालेपन की वजह होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खासकर एरिथ्रोसमा भी अंडरआर्म्स के कालेपन का कारण होता है। डेड स्किन के कारण भी अंडरआर्म्स में डार्कनेस आ जाता है। वही डॉक्टरों की माने तो एकांतोसिस निग्रिकांस के कारण भी डार्क अंडरआर्म्स हो सकते हैं। यह त्वचा संबंधित स्थिति होती है जिसमें त्वचा का मलिनीकरण होने लगता है। तो इन सभी कारणों से हमें डार्क अंडरआर्म्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये सभी कारण एक ही व्यक्ति के साथ एक साथ नहीं होते हैं, हर किसी में अलग अलग कारण होते हैं। इसीलिए इसे जानना जरूरी है ताकि हम उसका सही उपचार कर सके। तो चलिए अब मैं आपको अंडरआर्म्स के डार्कनेस को हटाए कैसे, उसके लिए क्या होम रेमेडीज फायदेमंद है, उसके बारे में बताती हूँ। ध्यान से देखिए, समझिए, फिर ही एग्जीक्यूट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेमेडी, जिसके लिए हमें यहाँ पर लेना है 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 2 चम्मच बेकिंग सोडा। दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसे अपने डार्क अंडरआर्म्स पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए तो इस पर आप इस मिश्रण की लेयरिंग करते जाइए, जिससे आपको इसके अच्छे बेनिफिट मिलेंगे और 15 मिनट बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 3 बार यूज कीजिए और आप देखेंगे आपके अंडरआर्म्स लाइट होने लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको अंडरआर्म्स डार्क होने के कारण बताए हैं, उसमें डेड सेल्स भी अंडरआर्म्स के डार्क होने का एक कारण है। तो ऐसे में एप्पल साइडर विनेगर में मौजूद अल्फा हाइड्रोक्साइल एसिड स्किन में जमे डेड सेल्स को रिमूव करके वहां पर नई और स्वस्थ स्किन आ जाती है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करने में हमारी हेल्प करता है। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो वो यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर सिर्फ 1 चम्मच ले और उसे 1 चम्मच पानी के साथ डाइल्यूट करके यूज करें। मतलब 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच बेकिंग सोडा, इन सबको मिक्स करके यूज करें। उसके बाद आपको फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है और अपने अंडरआर्म पर मसाज करना है। ये जेल पूरी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप मार्केट बेस्ड ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं और इसे आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए। एलोवेरा जेल में एलोसिन होता है, यह टायरोसिन अवरोधक होता है। टायरोसिन एक तरह का एंजाइम होता है जो स्किन पर पिगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होता है। एलोवेरा इस एंजाइम की गतिविधि में बाधा डालकर अंडरआर्म्स को कालेपन से दूर रखता है। तो इस रेमेडी को आप कंसिस्टेंटली यूज कीजिए, क्योंकि अच्छे रिजल्ट के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपके अंडरआर्म्स एक दिन के यूज से गोरे नहीं होने वाले हैं, ये कोई मैजिक नहीं है। आपको अंडरआर्म्स के डार्कनेस के लिए डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए? अगर इस वीडियो में मैंने जो रेमेडी आपको बताई है उसके लगातार यूज से भी आपके अंडरआर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उचित उपचार जरूर लें। कभी कभी अंडर आर्म्स का डार्कनेस बैक्टीरिया के अलावा किसी अन्य कारणों से भी हो सकता है, इसलिए ऐसे मामले में डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर समस्या की पहचान कर सही सुझाव या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।